उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों मुखबिर की सूचना पर सीओ कैंट के नेतृत्व में पुलिस ने खोराबोर के कुसमी जंगल के पास रोकने की कोशिश की तो भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश मौके पर ही घायल हो गया जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार होने में सफल रहा। इस मामले में एसएसपी के अनुसार पकड़े गए दोनों बदमाश मनीष और सुजीत पासवान चौरी थाने के हिस्ट्री शीटर और वारंटी हैं। लूट और अन्य दर्जनों अपराधों में ये लोग वांछित थे। जवाबी कार्रवाई में मनीष मौके पर ही घायल हो गया। लूटों का एक गैंग है जिससे पुलिस के मुठभेड़ हुई इनको और ये मेरे ख्याल में लूट की योजना ही बना रहे होंगे। लूट की बाइक भी इनसे बरामद है, पिस्टल्स बरामद हैं और भी सामान बरामद हुआ है और इसमें जो एक है जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा की दृष्टि से फायरिंग की गई पुलिस द्वारा, उसमें मनीष नाम के जो इसमें पिछाती लुटेरा है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उसका इलाज कराया गया है। इन लोगों के पास दो तमंचे, लूट की मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं जबकि घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।